दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को हिंसा का जिम्मेवार ठहराया है, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि दिल्ली में हिंसा षड्यंत्र के तहत हुई है। दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दिए गए बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने करारा जवाब दिया। विज ने कहा कि दिल्ली में लगाई हुई आग कांग्रेस की ही लगाई गई है। ये जो सीएए को लेकर आग लगाई गई है, ये कांग्रेस द्वारा ही लगाई गई है। इन्होंने घूम घूम के सारे हिंदुस्तान में लोगों को इसके खिलाफ भड़काया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली हिंसा को लेकर कहा कि सब कुछ साजिश के तहत किया गया ताकि बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा सके। दिल्ली में जो कुछ हुआ है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए हुए थे, जो कुछ हुआ है एक सोची समझी और षड्यंत्र के तहत सब कुछ हुआ है। देश को बदनाम करने की कोशिश की गई है, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो वहीं अनिल विज ने कुमारी सिलजा के भी उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें कुमारी सिलजा ने प्रदेश में जंगल राज और बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। विज ने कहा कि प्रदेश में शांति है और कुमारी सिलजा के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। अब सिलजा पता नहीं कहाँ घूम रही है, कहाँ से बोल रही है। प्रदेश में तो पूर्ण रूप से शांति है और पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली जल रही है। क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और पहले की तरह शांति होगी।